अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी माई यूट्यूब फैमिलीज। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। ये देखें, मैंने रज़ाई को कवर करना है और मेरी बेटी ने सारे के अपने टॉयज रखे हुए हैं, बोतल रखी हुई है पानी वाली, ये देखें, और फ़ोन लेके मज़े से बैठी हुई है। कह रही कि मैंने यहाँ बैठना है आपके बेड पे। पता नहीं क्यों माँ का बेड हमेशा बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, हमारे ये देखें, सुबह का रखा हुआ है काम, किचन में इतना था कि ये यहीं पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान में तो क्या सीन होते हैं, छतें होती हैं, बंदा कवर कर लेता है, यहाँ मुझे बेड पे करना पड़ता है। कमेंट में बताएं कौन लोग अपने अपने कमरे में करते हैं। जगह कम होने की वजह से कितना चीज़ों को सीखना पड़ता है, ये यहाँ यूरोप में आके पता चलता है। एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कपड़े वाश कर जो मैंने यहाँ टांगे हुए हैं, क्योंकि आज 2 दिन से बारिश हो रही है, तो यही करें, और ये सूख गए हैं अभी उतार के रखूँगी। ये आइडिया अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपना सकते हैं। कमरा अभी खुश्क बन गया है, कपड़े खुश्क करने वाला, नहीं तो खुश कपड़े खुश्क करने के लिए। ये देखें, ये टाइम है जी, अभी हमारे यहाँ 9 बजने लगे हैं। पाकिस्तान में क्या टाइम हुआ है बताएं। ये देखें, पाकिस्तानी तरीका, टिच बटन लगाया ताकि पर्दा बाहर को ना जाए। इसको खोल लें और खुद दाइन पीछे करें पर्दा, ये बाहर गए। मैं खिड़की खोलती हूँ ताकि थोड़ी सी कमरे की वेंटिलेशन हो कमरे में। तंग कर जाती है ये इसके अंदर। चल ये बंद हो गई है। चलो जी ठीक है, अभी मैं कवर करूंगी और उसके बाद चाय पीऊंगी। अपने घंटी के बटन को लाजमी दबा देना है, बहुत ज़रूरी होता है। ये अभी मुझे ये करना है, क्योंकि यहाँ तो सर्दी है भाई, यहाँ सर्दी में भी हम रज़ाइयाँ, गर्मी में भी हम रज़ाइयाँ लेके सोते हैं। ये मेरे बेटे की रज़ाई है जो कि ये मैंने हॉलैंड से ही कपड़ा लिया, क्योंकि हॉलैंड में रहते हैं तो हॉलैंड में से ही लेंगे ना। तो ये मेरी बॉल है, ये देखिए, और यहाँ से मैंने सिंपल वाइट रखा है क्योंकि वाइट कलर मुझे पसंद है।